गाइस, मैं हूँ विशेषा पांडे, हैशटैग आर्टिस्ट का हेड और कंपनी का हेड। आप लोग को पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट लगा के दिखाया था और सेकेंड और थर्ड होमवर्क में दिया था। कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी सेकेंड और थर्ड में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है सेकेंड और थर्ड का सल्यूशन, उसको आप दे सकते हैं। और नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है? 4u² + 8u, इसको हम कैसे लगाएंगे? देखिए आंसर, इसको पर जब हम तोड़ेंगे तो किस तरह तोड़ेंगे? 4u कॉमन ले लेंगे, u+2 हो जाएगा, u+2, तो हम लोग का 4u निकल जाएगा, बाद u+2 = 0 निकल जाएगा। इन दोनों में u की वैल्यू हम निकाल लेंगे। u की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए ये u है, ये डिवाइड करेगा तो u हमारा हो जाएगा 0, और दूसरा ये अल्फा हो जाएगा हम लोगों का, बाद u = 0 - 2 u = -2, ये हम लोग का बीटा निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा। फिर अल्फा एंड बीटा तो निकल गया, फिर हम लोग सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा और एक्स का हम लोग कांस्टेंट टर्म निकालेंगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें तो एक्स है नहीं, यू है, मतलब हम लोग लेट, यहाँ पे लिख लेते लेट एक्स बी यू, हम लोग एक्स को यू मान के चल रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या था हम लोग का? 8u, यू हम लोग का एक्स मानेंगे तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे -8, और कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो हम लोग का 4u² था, तो हम लोग लिख लेंगे नीचे 4, ओके। और a प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा में 0 प्लस बीटा में -2, ये जब कैंसिल हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 = -2, LHS = RHS, ये हम लोग का निकल गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में चलते हैं, इसको कैमरे को नीचे कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो अल्फा इंटू बीटा, और कॉफिशियंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है इसमें? कांस्टेंट टर्म हमारा 0 है, यहाँ पे फिलहाल हम उसको 0 मान के चलेंगे, और एक्स स्क्वायर में हम लोग का 4 है, तो अल्फा में क्या लिखेंगे हम लोग ये बताइए? अल्फा में हम लोग 0 लिखेंगे, इंटू बीटा में क्या लिखेंगे? बीटा में हम लोग -2, और ये जो हम लोग का जब डिवाइड करें तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा जब इनटू करेंगे, = 0, LHS = RHS। और फिफ्थ और सिक्स्थ, ये भी होमवर्क में जाता है, नहीं क्वेश्चन समझ में आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी फिफ्थ और सिक्स्थ का, और सेकेंड और थर्ड का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दी जाएगी। और वेबसाइट में भी आप ये वीडियो अब दे सकेंगे, मतलब वेबसाइट भी एक लर्निंग ऐप की तरह चलेगा, मतलब ऐप जो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, जिनका स्टोरेज ज़्यादा है मोबाइल का, मतलब कम है, तो आप वेबसाइट में भी आप पढ़ सकेंगे। वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और उसमें आप वेबसाइट में हर तरह के वीडियो, जितने तरह के आपको एक्सरसाइज हैं पूरे उसमें वीडियोस मिल जाएंगे, ज्वाइन क्लास का भी लिंक उसमें दी गई है,
आपको इनरोल करना पड़ेगा। इनरोल करेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर और नेम के साथ आपको देना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर में आपको सारा क्लासरूम आईडी दे दूंगा, और आपको एक तो वीडियो भी, आपको फर्स्ट वीडियो आपको अलग से मिलेगा जिसमें क्लासरूम आईडी को भी मैं डिस्कशन किया हूँ। वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको इनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपको एप्पल प्ले स्टोर या इंडिया के प्ले स्टोर में आपको टेकमीट ऐप डाउनलोड कर लेनी है, और फिर आपको क्लासरूम आईडी को ऐड कर लेना है। क्लासरूम आईडी को ऐड करते ही आपको उसमें यूट्यूब्स, पीडीएफ्स, इमेज, असाइनमेंट्स और इवेंट्स, हर तरह का आपको इसमें फीचर्स दी जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। थैंक यू।